बहराइच शहर के मोहल्ला रायपुर राजा निवासी PCS अधिकारी की यहां चोरी हो गई शिकायत पर घर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी। देहात कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला रायपुर राजा निवासी मीना कुमारी भारती पत्नी राजकुमार के बेटे मनोज कुमार PCS अधिकारी हैं। वह इस समय सिद्धार्थनगर जिले के इटवा तहसील में SDM है। दो दिन पहले घर आए थे। मनोज कुमार अपनी माता के साथ अपने पैतृक गाँव विशेश्वरगंज थाना क्षेत्र के गाँव गए थे। इसके बाद मनोज वापस ड्यूटी के लिए चले गए। घर पर कोई नहीं था। इसका फायदा उठाकर चोरों ने जेवरात समेत अन्य सामान CCTV का DVR तक चोरी कर ले गए। सुबह चोरी की जानकारी होने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मालूम किया। SDM के बड़े भाई चेन्नई में प्रोफेसर हैं। माँ हुजूरपुर ब्लॉक के CAC में सुपरवाइजर हैं। बहराइच से दैनिक भास्कर के लिए कुतुब अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम आपका? मीना कुमारी। कहाँ रहने वाले हैं आप? मेरा वैसे तो यहाँ निवास है रायपुर राजा मोहल्ले में। पैतृक गाँव है ग्राम चंदईपुर और मजरा है निरहुपुर थाना विशेश्वरगंज। आज आपके घर में चोरी हुई है, क्या हुआ था, कैसे आपको जानकारी मिली, क्या है मामला? सुबह हम मॉर्निंग वॉक में गए थे, गांव पे थे, तो वहाँ हमारे यहाँ से फ़ोन गया। बगल में एक लोग को चाबी दे गए थे कि हमारी लाइट बंद कर देना सुबह शाम को उजाला देना। तो जब सुबह आई लाइट बंद करने तो गेट का ताला खोली, तो ताला खोल के जब अंदर आने लगी तो अंदर से बेलन लगा हुआ था। फिर उन्होंने हमें फ़ोन किया, फिर बताया कि दीदी अंदर से बेलन लगा, हम कैसे लाइट बंद करें, लाइट तो बंद है पहले से। तो हम सोचे थे बल्ब फ्यूज हो गया होगा, लेकिन जब अंदर आए खोले ताला देखें तो अंदर से वो लगा है बेलन। और हम कहें ठीक है, फिर बच्चों को फ़ोन किए, बच्चे फिर पुलिस वाले को इन्फॉर्म किए, पुलिस आई है। तब सब लोग दरवाज़ा खोल कर अंदर गए, देखे तो गेट का यहाँ जो अंदर कमरा है उसका जो है लॉक टूटा हुआ था। अंदर अलमारी सब खुली पड़ी थी, बेड बिस्तर सब उलझा हुआ पड़ा था। बहू के कमरे का, मेरे कमरे का, उसमें कुछ सोने चांदी का जेवर था बहू का, वो ले गए। नगद पैसा 8,000 था वो ले गए। मेरे अलमारी तोड़े, उसमें भी मेरे जेवर रखे थे और मेरा 5,000 रुपया नगद रखे थे घर के खर्चे के लिए, वो भी निकाल के ले गए थे पूरा। लगभग कितने की चोरी हुई होगी? कम से कम 10 लाख की हो गई चोरी। अच्छा, जो हम बनवाए थे वही गए हैं, पुश्तैनी जेवर तो पहले ही चोरी हो गया था। तो इससे पहले कब चोरी हुई थी आपके यहाँ? हमारे यहाँ 2021 में 4 जुलाई 2021 में हुई थी। तब भी कोई मतलब तब से कोई खुलासा हुआ था कि नहीं? कुछ नहीं खुलासा हुआ, पता नहीं क्या के पुलिस वाले कुछ समझ में नहीं आया, फाइनल लगा के रिपोर्ट भेज दी है। मतलब कोई खुलासा नहीं किया था? खुलासा नहीं किया। अच्छा, आपके बेटे? मेरा बड़ा बेटा केंद्रीय विद्यालय में टीचर है, इस समय चेन्नई में पोस्ट है। छोटा बेटा मेरा SDM है, इस समय सिद्धार्थनगर में सेवारत है।